Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. So here is the first module of entomology. So today we are start karne wale hain entomology ka first module. So let's move forward towards the topic. So here is the topic, and today we are going to discuss about major pest of rice. But before moving further, I would like to tell you what is entomology is all about. देखिए पैथोलॉजी हमने डिस्कस करा, जिसके अंदर डिजीज हमने डिस्कस करी थी, बहुत सारी क्रॉप्स जो है हमने डिस्कस करी, उनकी जो मेजर डिजीज है वो हमने पैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करी थी, बिकॉज पैथोलॉजी इज ऑल अबाउट डिजीजेस, इट्स अ स्टडी ऑफ डिजीज. नाउ एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड द डैमेज कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स. देखिए यहाँ पे पेस्ट वो जो यूज हुआ है, पेस्ट बेसिकली उन इंसेक्ट के लिए यूज होता है जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रक्शन वो कॉज करते हैं, इसीलिए जो है उन्हें पेस्ट कहा जाता है. और मैंने इसीलिए टर्म की पेस्ट, मतलब यहाँ पे वो सारे डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो राइस में जो है डैमेज कॉज करते हैं, राइस में, राइस की ईल्ड को, राइस के प्लांट को जो है डैमेज करते हैं, ठीक है. तो एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है. बहुत सारे बच्चे इन दोनों को, पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी को, एक ही लेके चलते हैं. दैट्स व्हाई आई डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दीज टर्म हियर. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. राइस का पहला जो पेस्ट है, इंसेक्ट है, वो है थ्रिप. देखिए यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम दिया गया है. देखिए साइंटिफिक नेम है स्टेनो कैटोथ्रिप बाइफॉर्मिस. देखिए आपका जो साइंटिफिक नेम होता है वो इसलिए बताया जाता है, कई बार एग्जाम में, एग्जाम का लेवल बढ़ाने के लिए या उसे डिफिकल्ट करने के लिए जो है ऑप्शन में आपको साइंटिफिक नेम भी दिया जा सकता है, ठीक है. तो इसीलिए साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट है. देखिए साइंटिफिक नेम पूरा याद नहीं होता है, आई नो नहीं याद होता है, बट आपको इसको जो है इसको रिलेट करके याद करना है. देखिए यहाँ पे तो ये देखिए इजी है, यहाँ पे थ्रिप वर्ड ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, तो ये थ्रिप का साइंटिफिक नेम है, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एग्जाम में या कहीं पर भी अगर आता है तो यू कैन रिकॉग्नाइज कि ये थ्रिप का साइंटिफिक नेम है, ठीक है. उसके बाद देखिए जो थ्रिप है इसका डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इंडिया के अलावा ये बांग्लादेश में भी जो है राइस में देखने को मिलता है. बांग्लादेश के अलावा इंडोनेशिया, अदर कंट्री जो है, ठीक है, इंडिया के अलावा जापान में देखने को मिलता है राइस में, मलेशिया में देखने को मिलता है, ठीक है, श्रीलंका और थाईलैंड में भी जो है इसका इन्फेस्टेशन देखा जाता है राइस में. तो इंडिया के अलावा इन अदर कंट्रीज में भी जो है ये जो इंसेक्ट है इसका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है. अब बात करेंगे इसके डैमेज की. देखिए ये जो डैमेज कॉज करता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि इसके डैमेज सिम्टम्स क्या है. सबसे पहले जो निम्फ और अडल्ट स्टेज होती है, अडल्ट से पहले देखिए कुछ होती है लार्वा स्टेज, और इसमें है थ्रिप में होती है निम्फ स्टेज, ठीक है. तो निम्फ और अडल्ट दोनों ही जो है डैमेज करते हैं प्लांट को. ये क्या करते हैं, लिसरेट करते हैं. लिसरेट का मतलब होता है टेयरिंग, ठीक है, टेयरिंग एंड विदरिंग जो है ये यंग लीव्स की, टेंडर लीव्स जो होती हैं उनमें जो है बेसिकली ये फीड करते हैं उनके ऊपर, और जो सैप होता है, ठीक है, जो सैप होता है प्लांट का, टेंडर लीव्स का, उसके ऊपर ये फीड करने लगते हैं, जिसके कारण सिल्वर स्ट्रीक्स फॉर्म होती है लीव्स के ऊपर या यंग सीडलिंग्स के ऊपर, ठीक है. और उसके बाद टर्मिनल रोलिंग स्टार्ट होती है, ये टिपिकल सिम्टम होता है थ्रिप का, जब टर्मिनल रोलिंग स्टार्ट होने लगती है, ड्राइंग ऑफ लीव्स होने लगता है फ्रॉम द टिप टू द बेस. मतलब अगर ये लीव है, ठीक है, तो लीव के यहां से, टिप से जो है रोलिंग स्टार्ट होगी बेस की तरफ, तो ये सिम्टम होते हैं कि थ्रिप जो है प्लांट को डैमेज कर रहा है, और ये नर्सरी और मेन फील्ड दोनों में जो है डैमेज कॉज करता है. अगर इसके होस्ट रेंज की बात करें, होस्ट मतलब कि राइस के अलावा ये जिन प्लांट में जो है ये स्टे करता है, या अदर कौन सी स्पीसीज हैं जिनमें बेसिकली ये डैमेज कॉज करता है, तो इकाइनोकोला. तो इकाइनोकोला जो है ग्रास फैमिली, ग्रासेस जो है इकाइनोकोला स्पीसीज को बिलोंग करती है. राइस फील्ड में इकाइनोकोला जो है वीड भी जो है देखने को मिलता है. तो ये जो है बेसिकली इसकी होस्ट रेंज होती है कि राइस के अलावा इन प्लांट्स में बेसिकली ये होता है. अगर राइस के फील्ड में काइनोकोला वीड जो है बेसिकली अगर हो रही है तो वो भी जो है इसका रीजन होता है थ्रिप के इन्फेस्टेशन को, थ्रिप की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में, ठीक है. तो ये इसकी होस्ट रेंज है. उसके बाद अगर बात करें मैनेजमेंट की, देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले रेजिस्टेंट वैरायटीज जो होती हैं, कल्टीवार जो होते हैं राइस के, उनको ग्रो किया जाता है पीटीबी 12, पीटीबी 20, पीटी
3-2-1 और H4, ये जो है राइस के कुछ रेजिस्टेंट कल्टीवार्स हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है वैरायटी, वैरायटी जो है कौन सी राइस की रेजिस्टेंट है किस इंसेक्ट के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जो केमिकल्स हैं, देखिए जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, एंडोसल्फान हो गया 35EC80ml और मोनोक्रोटोपोस 36WSC40ml जो है 100 m² नर्सरी में जो है बेसिकली इसका स्प्रे किया जाता है। तो ये को जो है इंसेक्टिसाइड हैं जो कि यूज किए जाते हैं थ्रिप को कंट्रोल करने के लिए, थ्रिप की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और मैनुअल मेथड्स में देखिए, मैनुअल मेथड्स में जो पॉपुलेशन जो है एनकाउंटर की जाती है फील्ड में, तो जो अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको इमीडिएटली रिमूव किया जाता है, वीड्स को, ठीक है, वीड्स को फील्ड से जो है डिस्कार्ड किया जाता है। अगर वीड का इन्फेस्टेशन बढ़ रहा है तो थ्रिप की पॉपुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे पहले जो होस्ट प्लांट होता है उसको जो है फील्ड से रिमूव किया जाता है। और देखिए इस तरह से जो है थ्रिप दिखाई देता है, इस तरह से देखिए ये इस तरह की जो है स्ट्रीक्स फॉर्म करता है राइस के प्लांट के ऊपर। तो ये जो है पहला इंसेक्ट, पहला पेस्ट है राइस का। उसके बाद देखिए, देखिए नेक्स्ट जो है वो है हॉपर। देखिए राइस में जो है हॉपर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहले ग्रीन लीफ हॉपर, देखिए ग्रीन लीफ हॉपर जो कि बेसिकली टुंग्रो वायरस को जो है, टुंग्रो वायरस का ये वेक्टर भी है, जो टुंग्रो वायरल डिजीज राइस में होती है उसका वेक्टर ग्रीन लीफ हॉपर भी है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैथोलॉजी में भी जो है ये एज अ वेक्टर वहां पे जो है रोल प्ले करता है। और यहाँ पे देखिए जो लीफ हॉपर है, ठीक है, नीफोटेटिक्स ये इसका जो है साइंटिफिक नेम है। तो इसका जो डैमेज होता है, देखिए निम्फ और एडल्ट दोनों ही डैमेज करते हैं। ये जो है सैप जो होता है डीसैप करते हैं प्लांट को, मतलब जो बेसिकली प्लांट का जो सैप होता है, जो प्लांट में जो जिसके जो जिसके कारण टेंडरनेस जो है प्लांट में होती है उसे बेसिकली ये जो है उसके ऊपर फीड करते हैं। और हॉपर बर्न लाइक सिम्टम्स, कुछ इस तरह के सिम्टम्स देखिए, हॉपर बर्न लाइक मतलब स्कॉर्चिंग टाइप अपीयरेंस जो है प्लांट देने लगता है, ब्राउन कलर का अपीयरेंस प्लांट देता है। तो उस तरह का अपीयरेंस जो है प्लांट देने लगता है जिसे हॉपर बर्न कहा जाता है। देखिए इस तरह के टर्म जब आए, हॉपर बर्न या कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आते हैं तो वो एक स्पेसिफिक इंसेक्ट के रिगार्डिंग होते हैं। तो देखिए ग्रीन लीफ हॉपर जो है हॉपर बर्न लाइक अपीयरेंस जो है प्लांट को देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के टर्म्स वाले जो सिम्टम्स होते हैं उनको आप स्पेसिफिकली जो है याद रखेंगे। उसके बाद देखिए येलोइंग ऑफ लीव्स, लीव्स की येलोइंग होने लगती है जब, देखिए जब सैप जो है, सैप के ऊपर जब इंसेक्ट फीड करता है तो सबसे इनिशियल जो सिम्टम्स होता है वो डिस्कलरेशन होता है, ठीक है, प्लांट डिस्कलरेशन शो करता है। अब वो येलोइंग हो सकती है, ब्राउनिंग हो सकती है, ठीक है, पेल ग्रीन कलर हो सकता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन लीफ हॉपर है वो लीव्स को जो है उस जब डैमेज करता है तो येलोइंग जो होती है लीव्स की वो होने लगती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया टुम्ब्रो वायरस का भी जो है ये वैक्टर होता है, टुम्ब्रो वायरल डिजीज जो है बेसिकली उसमें भी ग्रीन लीफ हॉपर जो है एज अ वैक्टर वहां पे काम करता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली राइस का जो वायरल डिजीज है उसके लिए भी एक वेक्टर है। तो ये इसके जो है डैमेज सिम्टम्स हैं। अगर देखिए होस्ट रेंज की बात की जाए इसके, तो ग्रीन लीफ हॉपर जो है बेसिकली मिलेट्स में भी है, ग्रासेस में और राइस में, तो जो है ग्रीन लीफ हॉपर जो है डिजीज भी कॉज करता है, डिजीज के लिए एज अ वेक्टर भी जो है वहां पे एक मीडियम होता है। और यहाँ पे देखिए ये राइस के प्लांट को डैमेज भी करता है। उसके बाद देखिए अगर इसका इंडिया के अलावा अदर कंट्री में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये जो है साउथ जापान में, साउथ जापान में, ठीक है, और श्रीलंका में भी जो है देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, ठीक है, मैनेजमेंट में सबसे पहले देखिए IR20, देखिए अब यहाँ पे जो वराइटीज इंपॉर्टेंट है, देखिए IR जो वराइटीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। IR20, IR50 जो है रेजिस्टेंट है ग्रीन लीफ हॉपर के लिए। उसके बाद देखिए वानी, ललित, निधि, ठीक है, और देखिए CR1009, PTB2, PTB18, तो ये सारी जो है रेजिस्टेंट वराइटी है ग्रीन लीफ हॉपर के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट में नीम केक को अप्लाई किया जा सकता है 12.5 kg पर 100 m² ऑफ नर्सरी में एज अ बेसल डोज। उसके बाद कार्बोफ्यूरॉन 3 g एट
3.5 केजी के रेट से जो है इसे अप्लाई किया जा सकता है, और 4-8 को भी जो है 1 केजी के रेट से अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए एंडोसल्फान भी जो है यहाँ पे यूज किया जा सकता है। एंडोसल्फान देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड कौन से हैं, वीडीसाइड कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार ऑप्शन में जो है आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको अगर पूछा जाए किसी भी क्रॉप का, किसी भी इंसेक्ट का मैनेजमेंट आपको पूछा जाए और केमिकल्स आपको जो है दिए गए हैं, तो आप वहां से जो है एटलीस्ट एक और दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको पता चले कि कौन सा इंसेक्टिसाइड है, कौन सा जो है बेसिकली वीडिसाइड है, या कौन सा जो है यूज किया जाता है। तो देखिए एंडोसल्फान जो है वो एक इंसेक्टिसाइड है, तो यहाँ पे एंडोसल्फान भी जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है, नर्सरी में। और इसके अलावा जो अदर्स एसीफेट भी है, एसीफेट भी जो है बेसिकली यूज किया जा सकता है। फोस्फोमिडोन है, फोस्फोमिडोन को भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और जो वाटर लेवल होता है फील्ड में, ठीक है, उसको बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर तक जो है बेसिकली मेंटेन किया जाता है। ये सारी जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। जब ग्रैन्यूल एप्लीकेशन दिया जाता है फील्ड में तो उस टाइम पे जो लेवल होता है उसके बाद 3 दिन तक बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर तक का वाटर लेवल जो है फील्ड में मैनेज किया जाता है टू प्रिवेंट दी इन्फेस्टेशन ऑफ ग्रीन लीव हॉपर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो है ग्रीन लीफ हॉपर दिखाई देता है कुछ इस तरह से, और इस तरह का जो है बेसिकली जो उसका टिपिकल सिम्टम होता है वो हॉपर बर्न होता है, हॉपर बर्न और जो येलोइंग ऑफ लीव्स होती है, ठीक है, टिप से जो है बेसिकली जो लीव्स होती हैं वो येलो होना स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पे देखिए टिप से येलो हो रही है, नीचे वाला पोर्शन ग्रीन है लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो है वो येलो दिखाई दे रहा है, ठीक है, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट जो है वो है ब्राउन लीफ हॉपर। देखिए ब्राउन लीफ हॉपर जो कि नीलपरवाटा, देखिए इसका नाम जो है ये साइंटिफिक नेम है, और अगर ब्राउन लीफ हॉपर के डैमेज सिम्टम की बात की जाए तो देखिए इसमें जो अल्ट होता है वो जो है डैमेज कॉज करता है, और ये भी बेसिकली जो है सैप को बेसिकली जो है डिसैप करता है प्लांट को, मतलब जो टेंडरनेस होती है प्लांट की उसके ऊपर जो है बेसिकली फीड करता है। देखिए आपने देखिए प्लांट में जो है जो सैप होता है प्लांट में बेसिकली जो फ्लूड होते हैं उसके ऊपर ये जो है फीड करते हैं, और जो अफेक्टेड प्लांट होते हैं जब देखिए उनका जो फ्लूड होता है वो बेसिकली जो है प्लांट से एलिमिनेट हो जाता है। मतलब देखिए ग्रीन प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका जो फ्लूड होता है जो बेसिकली उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, तो इंसेक्ट क्या होता है उस लिक्विड के ऊपर, उस फ्लूड के ऊपर जो है फीड करता है, तो इसीलिए जो है बेसिकली वो जो सैप होता है प्लांट का वो जो है इसे इंसेक्ट से रिमूव कर लेता है, जिसके कारण ड्राइंग होती है प्लांट, प्लांट वीक हो जाता है, जो हॉपर बर्न सिम्टम होता है, ठीक है, स्कॉर्च अपीयरेंस मतलब एक बर्न लाइक अपीयरेंस जो है प्लांट देने लगता है, जैसे जलने के बाद ब्राउन कलर का जो है हो जाता है, ठीक है, प्लांट्स जो है ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के हो जाते हैं, उसी तरह का जो है बर्न अपीयरेंस प्लांट देने लगता है, ठीक है, सर्कुलर पैचेस जो है दिखाई देते हैं प्लांट के ऊपर, मैच्योर प्लांट के ऊपर सर्कुलर पैचेस दिखाई देते हैं। और देखिए ये जो ब्राउन लीफ हॉपर है ये ग्रासी स्टंट जो डिजीज होती है, ठीक है, ग्रासी स्टंट डिजीज जो है मैंने आपको पढ़ाई है डिजीज में, बेसिकली माइनर डिजीज में ग्रासी स्टंट डिजीज का मेंशन किया गया है राइस में, पैथोलॉजी में जब डिस्कस किया था, तो उसका जो है बेसिकली ये वेक्टर होता है ब्राउन लीफ हॉपर या ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है, नॉट लीफ प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर है और ब्राउन प्लांट हॉपर है। देखिए इसकी होस्ट रेंज की अगर बात की जाए तो राइस के अलावा देखिए शुगरकेन और अदर ग्रासेस में भी जो है ये देखने को मिलता है। देखिए उसके बाद इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंट वैरायटीज जो होती हैं जैसे अरुणा हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, उसके बाद देखिए दिव्या हो गया, ये राइस की रेजिस्टेंट वैरायटी है जो ब्राउन प्लांट हॉपर के डैमेज को जो है रेजिस्ट करती है, ठीक है, मानसरोवर हो गया, भद्रा हो गया, ठीक है, कार्तिक हो गया, तो ये सारी जो है रेजिस्टेंट वैरायटी हैं जो बेसिकली ब्राउन प्लांट हॉपर को रेजिस्ट करती हैं। देखिए वो इंसेक्ट जो बेसिकली वेक्टर का रोल भी प्ले करते हैं और डैमेज कॉज करते हैं राइस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, क्योंकि ये पैथोलॉजी में भी है और एंटोमोलॉजी में भी है, तो ऐसे जो
इंसेक्ट होते हैं या ऐसी कोई भी डिजीजेस जो होती हैं जो कि इंसेक्ट के वेक्टर से जो है बेसिकली बेसिकली वेक्टर से जो है ट्रांसमिट होती है, तो वो जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट होता है. तो ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं या डिजीजेस होती हैं उनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है ज्यादा होती है. ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इसके लिए मैनेजमेंट होता है, क्लोज प्लांटिंग को जो है अवॉइड किया जाता है ताकि पॉपुलेशन और जो इन्फेस्टेशन है वो रैपिडली जो है फील्ड में स्प्रेड आउट ना हो. ठीक है, उसके बाद देखिए रिलीज नेचुरल एनिमीज. देखिए ये बायोलॉजिकल मेथड होता है किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए. देखिए कुछ मैनुअल मेथड्स होते हैं, कुछ मैकेनिकल मेथड्स होते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं जो बायोलॉजिकल होते हैं. बायोलॉजिकल मेथड में क्या किया जाता है कि नेचुरल एनिमीज जो होते हैं इंसेक्ट के, जैसे वुल्फ स्पाइडर हो गया, ठीक है, ग्रीन मेरिट बग हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो नेचुरल एनिमीज होते हैं इनको रिलीज किया जाता है फील्ड में ताकि ये जो है इनके ऊपर फीड करें, इनको जो है बेसिकली फीड करें इनके ऊपर और इनको फील्ड से एलिमिनेट करें. तो ये बायोलॉजिकल मेथड के अंदर आता है. तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है ब्राउन प्लांट हॉपर को जो है बेसिकली कंट्रोल करने का. तो ये बेसिकली जो है इसका बायोलॉजिकल मेथड है कि नेचुरल एनिमीज जब रिलीज किए जाते हैं, वुल्फ स्पाइडर जैसे या बर्ग्स, ये सारे जो है नेचुरल एनिमीज होते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर के. उसके बाद देखिए कुछ बर्ड्स भी होती हैं जिनको जो है फील्ड में जो है रिलीज किया जाता है ताकि बर्ड जो है इंसेक्ट के ऊपर फीड करें. ठीक है, डक्स होते हैं, डक्स को जो है अलाउ किया जाता है फील्ड में ताकि जो है इंसेक्ट को जो है ये फीड करें और इंसेक्ट को एलिमिनेट कर सके फील्ड से. उसके बाद देखिए स्प्रे किया जाता है इमिडोक्लोप्रेट का और जो है ब्यूप्रोफ्रिजन का, इस तरह से एसिफेट का भी जो है स्प्रे किया जाता है. तो ये जो है इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट जो राइस का इंसेक्ट है वो है व्हाइट बैक प्लांट हॉपर. ठीक है, सोबटेला फ्यूसीफेरा, ये जो है साइंटिफिक नेम है इसका. और कुछ इस तरह से देखिए जो है ये प्लांट के ऊपर अटैक करता है और इस तरह से दिखाई देता है. ठीक है, ये देखिए सिम्टम्स जो है ये भी बेसिकली जो है इस तरह के हॉपर बर्न लाइक सिम्टम जो है इसमें अपेयर होते हैं. देखिए प्लांट जो है कुछ ब्राउन कलर के हो जाते हैं, आप दूर से ही जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हॉपर बर्न सिम्टम है और ये इस तरह से जो है दिखाई देता है. ये देखिए ये है व्हाइट बैक प्लांट हॉपर. देखिए इसके जो डैमेज सिम्टम्स होते हैं, जो डैमेज कॉज करता है ये हॉपर, इसका जो निम्फ और अडल्ट होता है दोनों ही जो है सैप को सक करते हैं, मतलब जो सैप होता है, ठीक है, जो फ्लूइड होता है प्लांट में उसके ऊपर फीड करते हैं जिसके कारण प्लांट जो है स्टंटेड ग्रोथ शो करता है या हॉपर बर्न जो है बेसिकली शो करता है. हॉपर बर्न सिम्टम्स जो है बर्न स्कॉर्चिंग सिम्टम्स होते हैं जिसमें प्लांट जो है ब्राउन कलर का कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से ये जो पूरा एरिया है इसमें ये पूरा जो है हॉपर बर्न सिम्टम शो कर रहा है. तो इसे कहा जाता है हॉपर बर्न सिम्टम, जिसमें बेसिकली इरेगुलर पैचेस भी जो है शो होते हैं कुछ इस तरह से. देखिए ये देखिए स्टेम में रेगुलर पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर के. ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर पर्टिकुलर पोर्शन में जो है बर्न हुआ है, जला हुआ पोर्शन जो है वो लग रहा है, इसीलिए जो है इसे हॉपर बर्न कहा जाता है. देखिए जो निम्फ होता है ये बेसिकली इमेच्योर फॉर्म ऑफ इंसेक्ट होता है जो बेसिकली आफ्टर हैचिंग ऑफ एग, एग जब हैच होते हैं उसके बाद जो है ये एग से जो है रिलीज होता है और धीरे धीरे जो है मेटामॉर्फोसाइज होता है अडल्ट इंसेक्ट में. तो ये जो निम्फ स्टेज होती है बहुत ही ज्यादा डैमेज जो है ये कॉज करती है निम्फ स्टेज, क्योंकि निम्फ स्टेज को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की, बहुत ज्यादा फीड की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये क्या करता है कि ये जो है बहुत ही रैपिडली जो है फीड करता है सैप के ऊपर. तो प्लांट के सैप के ऊपर जो है ये फीड करता है और प्लांट को डिसैप कर देता है. तो अडल्ट और निम्फ दोनों ही स्टेज में जो है ये डैमेज कॉज करता है प्लांट को. अगर इसके होस्ट रेंज, ठीक है, राइस के अलावा अदर कौन से प्लांट्स में जो है बेसिकली ये देखने को मिलता है, मेज में, मिलेट्स में, शुगरकेन में और ग्रासेस में, तो है ये देखने को मिलता है. तो ये बेसिकली जो है इसकी होस्ट रेंज है. अगर बात करें मैनेजमेंट की तो देखिए मैनेजमेंट में जो है ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की गई थी
वो सेम जो है बेसिकली व्हाइट बैक प्लांट हॉपर के लिए भी की जाती है। यहाँ पे भी जो है जो नेचुरल एनिमीज होते हैं जैसे वुल्फ स्पाइडर, ठीक है, बक्स हो गया, उनको जो है रिलीज किया जाता है ताकि बायोलॉजिकल मेथड से इनको इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। बर्ड्स को बेसिकली अलाउ किया जाता है, डक्स को अलाउ किया जाता है फील्ड में ताकि वो जो है इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। और देखिए जो रेजिस्टेंट वैराइटीज होती हैं AR133, IC25687 जो है, ये जो है बेसिकली सारी रेजिस्टेंट वैराइटी है HKR10, इनको जो है आप यूज कर सकते हैं, मतलब इन कल्टीवार्स को ग्रो कर सकते हैं उन एरियाज में जहां पे वाइट बैक प्लांट हॉपर का या किसी भी प्लांट हॉपर का जो है इन्फेस्टेशन है या उनकी पॉपुलेशन जो है कंट्रोल नहीं की जा सकती, ठीक है। तो वहां पे जो है इन सारी कल्टीवार्स को बेसिकली जो है यूज किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन, ठीक है। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका बेसिकली यूज किया जाता है, एंडोसल्फान हो गया, एसिफेट हो गया, तो ये सारे इंसेक्टिसाइड जो है प्लांट हॉपर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये है वाइट बैक प्लांट हॉपर, ठीक है। तो तीन तरह के हॉपर जो है बेसिकली राइस में होते हैं जो कि प्लांट को बहुत ज्यादा जो है डैमेज कॉज करते हैं। उसके बाद देखिए बक्स, तो अभी हमने हॉपर डिस्कस करे, अब है बग्स। देखिए बग्स यहाँ पे तीन तरह के हैं, राइस एयरहेड बग है, मिली बग है और राइस ब्लैक बग है। तो ये तीन तरह के बग है। अगर राइस एयरहेड बग की बात करें तो लेप्टोकॉर्सिया एक्यूटा, इसकी होस्ट रेंज राइस के अलावा ये मिलेट में भी जो है देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए मिली बग ब्रिवेनिया रहे, ये जो है आपकी ग्रैमिनेशियस वीड्स जो होती है, ठीक है, ग्रामिनी फैमिली को जो है बिलोंग करते हैं जो वीट स्पीसीज, उनमें भी जो है ये एनकाउंटर किया जाता है। और राइस ब्लैक बग, देखिए राइस ब्लैक बग जो है बेसिकली स्कोटिनोफोरा ड्यूरिडिया जो है, इसकी होस्ट रेंज मिलेट्स, राइस के अलावा ये मिलेट्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर बात की जाए सिम्टम्स की, देखिए इसके जो लिम्फ और जो अडल्ट स्टेज होती है दोनों ही बेसिकली जो है ये डैमेज कॉज करती है। राइस एयर हेड बग की यहाँ पे बात हो रही है, ये वाला जो सिम्टम है वो राइस एयर हेड जो बग है उसका सिम्टम है। तो ये बेसिकली जो मिल्की स्टेज होती है, ठीक है, उस टाइम पे जो है ये ग्रेन को डैमेज कॉज करता है और जो अफेक्टेड ग्रेन जो होते हैं वो बेसिकली जो है शैफी हो जाते हैं, उनमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स जो हैं वो विजिबल होने लगते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स, ठीक है, जो भी ग्रेन्स अफेक्टेड होते हैं उनमें। और ये बेसिकली जो है ग्रेन को अफेक्ट कर रहा है तो डायरेक्टली जो है यहाँ पे यील्ड लॉस देखने को मिलता है, अराउंड 10-40% जो है ये यील्ड लॉस यहाँ पे कॉज करता है राइस को, राइस एयर हेड बग, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है मिली बग का। देखिए मिली बग जो है लीफ शीथ के जो सैप होता है, देखिए मिली बग बेसिकली ये भी जो है प्लांट को डिसैप करता है, सैप के ऊपर जो है फीड करता है और अफेक्टेड प्लांट जो होते हैं उनमें सर्कुलर पैचेस जो हैं शो होने लगते हैं। देखिए जहां पे सैप अगर के ऊपर अगर जो है इंसेक्ट फीड कर रहा है तो सबसे पहले उसमें डिस्कलरेशन शो होता है, ठीक है, किसी भी तरह के जो पैटर्न्स होते हैं लाइक सिल्वर कलर का पैटर्न या जो है येलोइंग या ब्राउनिंग जो है होने लगती है। तो यहाँ पे सर्कुलर पैचेस जो है शो होते हैं मिली बग के, और ये बेसिकली इंडिया में तमिलनाडु में, ये जो है कर्नाटक में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, ठीक है, और इंडिया के अलावा जो है थाईलैंड और बांग्लादेश में भी जो है देखने को मिलता है। इंडिया में इन सारे स्टेट्स में जो है इसका इन्फेस्टेशन, इसको जो है एनकाउंटर किया जाता है राइस में, राइस और जो अदर इसके होस्ट जो रेंज है उनमें बेसिकली, ठीक है। ये मिलीबग है, मिलीबग जो है बहुत ही हार्मफुल है, मिलीबग हॉर्टिकल्चर क्रॉप को भी जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये सैप के ऊपर जो है बेसिकली फीड करता है और प्लांट को जो है लीव्स को डिसैप कर देता है जो कि बहुत ही प्लांट के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। और प्लांट जो है बेसिकली वीक हो जाता है, स्टंटेड हो जाता है, ड्राई होने लगता है, तो ये जो है इसके बेसिकली टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है राइस ब्लैक बग।
देखिए राइस ब्लैक बग जो है इसका भी जो निम्फ और अडल्ट स्टेज होती है, ये प्लांट के सैप को बेसिकली जो है सैप के ऊपर फीड करती है, प्लांट को डिसैप करते हैं। और कर्न जो होता है बेसिकली, कर्न बेसिकली जो ग्रैमिनेशियस फैमिली होती है या ग्रैमिनी फैमिली को बिलोंग करने वाले जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम को जो है बेसिकली कर्न कहा जाता है। तो कर्न जो है ड्यूरिंग द टीलरिंग टू फ्लावरिंग स्टेज जो होती है प्लांट का जो बेस होता है उसको बेसिकली जो है ये अफेक्ट करते हैं। देखिए लीफ शीट से भी जो है ये सैप को जो है सैप के ऊपर फीड करते हैं। और पैनिकल, पैनिकल देखिए जो अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनमें पैनिकल बेसिकली फॉर्म नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो दे बेसिकली शो द इल सिम्टम, वो बेसिकली हेल्दी नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए टीलरिंग स्टेज में ड्राइंग, सेंट्रल शूट की जो है ड्राइंग होने लगती है और प्लांट जो है स्टंटेड ग्रोथ शो करने लगता है, ठीक है। और जो अडल्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अडल्ट प्लांट जो होते हैं वो रेडिश ब्राउन टू येलो कलर, रेडिश ब्राउन टू येलो कलर जो है शो करने लगते हैं। देखिए रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी जो है ये बेसिकली अफेक्ट करता है, पैनिकल डेवलपमेंट को स्टेप जो है ये अफेक्ट करता है और ग्रेन्स को, ठीक है, ग्रेन जो है वो शैफी होने लगते हैं। तो ये सारे जो है सिम्टम्स होते हैं राइस ब्लैक बग के। देखिए जो राइस ब्लैक बग जो है, जस्ट अ मिनट, देखिए राइस ब्लैक बग जो होता है ये बेसिकली जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज में, पैनिकल स्टेज में, रिप्रोडक्टिव स्टेज में, टेलरिंग स्टेज में जो है प्लांट को हार्म करता है। तो ये जो है हर एक स्टेज में जो है हार्मफुल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सरी में या मेन फील्ड में ही करेगा, प्लांट के ग्रोथ स्टेज के अकॉर्डिंग जो है ये हर एक स्टेज में जो है प्लांट को हार्म करता है। तो देखिए ये जो है बहुत ही हार्मफुल है राइस के ग्रोथ के लिए। तो ये जो है तीन तरह के बग जो कि राइस में देखने को मिलते हैं और डैमेज कॉज करते हैं, फाइन। उसके बाद देखते हैं इसका मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट सबसे पहले जो है बेसिकली जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं, इकाइनोकोला, इकाइनोकोला बेसिकली जो है ये ग्रास फैमिली को बिलोंग करने वाला प्लांट है, वीट्स जो है बेसिकली होती हैं, तो इन्हें जो है बेसिकली रिमूव किया जाता है, अल्टरनेट होस्ट को रिमूव किया जाता है। नीम सीड करनाल जो है एक्सट्रैक्ट 5% यूज किया जाता है, नोची लीफ पाउडर एक्सट्रैक्ट 5% और आइपोमिया लीफ पाउडर एक्सट्रैक्ट 5% जो है ये बेसिकली यूज किया जाता है टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन ऑफ, जो पहला बग हमने पढ़ा था राइस एयर हेड बग, ठीक है, उसके लिए बेसिकली जो है ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। देखिए डस्ट किया जाता है क्विनफोस को, क्विनफोस एक इंसेक्टिसाइड है, कार्बरिल जो है इंसेक्टिसाइड है, मेलाथियन जो है इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, मोनोक्रोटोपोस, तो ये सारे इंसेक्टिसाइड जो है यूज किए जाते हैं, ठीक है। और अफेक्टेड प्लांट्स को जो है बेसिकली फील्ड से रिमूव किया जाता है, ये सबसे पहला मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है किसी भी इंसेक्ट को मैनेज की पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मिलीबग के लिए। देखिए मिलीबग के लिए जो पैरासिटॉइड्स होते हैं उनको जो है रिलीज किया जाता है फील्ड में, ताकि जो है वो बेसिकली मिलीबग के ऊपर फीड कर सकें और मिलीबग को जो है उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। बेसिकली जो पैरासिटॉइड मतलब प्रीडेटर्स को रिलीज किया जाता है, तो प्रीडेटर जो कि मिलीबग को जो है मिलीबग के ऊपर फीड करेंगे। उसके बाद देखिए डाइमेथॉइड का जो है स्प्रे किया जाता है 30 EC 500 ml पर हेक्टेयर इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेस्टेशन। जो इनिशियल स्टेज होती है जब जो है इनिशियली सिम्टम जो है दिखाई देने लगते हैं उस टाइम पे जो है ये मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है राइस ब्लैक बग, राइस ब्लैक बग जो कि डिफरेंट स्टेजेस में जो है राइस को हार्म पहुंचाता है, इसमें सबसे पहले जो प्रेडेटर्स होते हैं उन्हें कंजर्व किया जाता है, जैसे स्पाइडर्स हो गए, ठीक है, वास्प हो गई, ये जो है पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं क्योंकि ये उनके ऊपर जो है फीड करते हैं। उसके बाद देखिए डक्स को अलाउ किया जाता है ताकि वो जो है बग्स को फील्ड से पिक कर सके, पिक मतलब वो उनको फीड करती है उनके ऊपर, डक्स किसी भी इंसेक्ट के ऊपर फीड करती है, तो इस तरह से जो है इनकी पॉपुलेशन को फील्ड से एलिमिनेट किया जाता है। उसके बाद देखिए स्प्रे किया जाता है NSKE का, यह नीम सीड करनाल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, NSKE, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। और इसके अलावा मोनोक्रोटोपोल जो कि इंसेक्टिसाइड है उसका एसिफेट का जो है बेसिकली एप्लीकेशन दिया जाता है। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं राइस ब्लैक बग के लिए, ठीक है। तो ये जो है जो तीन तरह के बग हमने पढ़े उनका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यहाँ पे दिया गया है।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये देखिए इसकी इमेजेस हैं किस तरह से जो है ये दिखाई देता है। ये है राइस एयर हेड बग, देखिए इस तरह से ये ग्रेन को जो है डैमेज करता है। और ये है मिली बग, देखिए मिली बग इस तरह से दिखाई देता है। और देखिए प्लांट इस तरह के सिम्टम्स, बेसिकली डैमेज प्लांट इस तरह से होता है। और ये है राइस ब्लैक बग जो कि फ्लावर को, पेनिकल को और प्लांट को जो है बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो ये जो है तीनों तरह के बग हैं जो कि राइस में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां पे बात करेंगे राइस के उन इंसेक्ट्स की जिन्हें बोरर्स और फोलिएज फीडर कहा जाता है। देखिए बोरर्स जो होते हैं बेसिकली दे बोर इनटू द प्लांट, प्लांट के जो स्टेम होते हैं या कुछ प्लांट जिनमें बेसिकली वुडी टिश्यूज होते हैं उनमें जो है ये बोर करते हैं और प्लांट में एंटर कर जाते हैं। और फोलिएज फीडर, देखिए फोलिएज फीडर बेसिकली जो लीफ पोर्शन को या जो फोलिएज होता है प्लांट का उसको बेसिकली बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है येलो स्टेम बोरर। देखिए येलो स्टेम बोरर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए इस तरह से इसका जो लार्वा होता है वो बेसिकली स्टेम में फीड करता है। देखिए इस तरह से स्टेम में बोर करता है और स्टेम के अंदर जो है बेसिकली ये फीड करता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली टिपिकल सिम्टम होता है। और येलो स्टेम बोरर का जो रेंज है देखिए राइस में ही देखने को मिलता है। इसके जो डैमेज के सिम्टम्स होते हैं देखिए ड्राइंग कॉज होने लगती है और सेंट्रल शूट जो होता है बेसिकली उसे डेड हार्ट जो है ये कॉज करता है यंग सीडलिंग्स में। और जो पेनिकल होते हैं बेसिकली वो जो है ड्राई होने लगते हैं, ड्राइंग अप ऑफ द पेनिकल, जिसे व्हाइट एयर भी कहा जाता है। और जो डैमेज की जो रेंज होती है अराउंड 30-80% जो है ये प्लांट को डैमेज करता है। देखिए इस तरह से जो है ये बोर करता है प्लांट में। देखिए इसका जो लार्वा है देखिए इस तरह से बोर करता है स्टेम के अंदर और इस तरह से जो है ये स्टेम को बेसिकली जो है टेयर करने लगता है, स्टेम के ऊपर फीड करने लगता है, स्टेम को डैमेज करने लगता है। तो ये जो है लार्वा स्टेज है और ये इसकी बेसिकली अडल्ट स्टेज है। कुछ इस तरह से जो है ये अडल्ट दिखाई देता है, येलो कलर का होता है इसलिए इसे येलो स्टेम बोरर कहा जाता है। और सबसे ज्यादा स्टेम पोर्शन को जो है ये डैमेज करता है राइस के, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टेम बोरर। ठीक है, उसके बाद इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है ग्रो की जाती हैं। देखिए जो यहाँ पे जिन वैरायटीज को आप जानते हैं, देखिए रत्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जया, TKM6, IR20, IR26 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशरी, साकेत जो है, IET2812। ठीक है, तो ये सारी जो है रेजिस्टेंट वैरायटी है, इनमें से ये जो वाली जो है IR26 तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो एग पैरासिटॉइड्स होते हैं मतलब जो एग्स के ऊपर फीड करते हैं, स्टेम बोरर के एग के ऊपर जो फीड करते हैं उन्हें बेसिकली जो है रिलीज किया जाता है। तो ये बायोलॉजिकल मेथड है येलो स्टेम बोरर को कंट्रोल करने का। तो इन्हें जो है बेसिकली फील्ड में रिलीज किया जाता है, ये किए जाते हैं 37 दिन जो होते हैं आफ्टर प्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग के 37 डेज आफ्टर जो है बेसिकली इन्हें रिलीज किया जाता है ताकि ये येलो स्टेम बोरर के एग जो होते हैं उनके ऊपर फीड करें और जो स्टेम बोरर की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली जो है कंट्रोल की जा सके। इसके अलावा जो है लाइट ट्रैप्स जो है बेसिकली सेट किए जाते हैं, लाइट ट्रैप। ठीक है, देखिए लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप्स जो हैं ये बेसिकली जो है मास पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जब बहुत ज्यादा जो है फील्ड में पॉपुलेशन देखी जाती है किसी भी इंसेक्ट की तो उसे ट्रैप करने के लिए इंसेक्ट जो लाइट ट्रैप्स होते हैं और फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं इन्हें बेसिकली जो है सेट किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है फील्ड में ताकि मास पॉपुलेशन को जो है किल किया जा सके एक बार और इनकी पॉपुलेशन को जो है रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंसेक्टिसाइड देखिए कार्बोफ्यूरॉन हो गया, बेनफ्यूरोकार्प हो गया, ठीक है, ये देखिए क्लोरोट्रेनिलीप्रोल हो गया, ये बेसिकली जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो है एसीफेट भी यूज किया जाता है। ठीक है, एसीफेट हो गया, मोनोक्रोटोपोज हो गया, ठीक है, एजार्डिकेटिन हो गया, ठीक है, कार्बोसल्फान हो गया। तो ये सारे इंसेक्टिसाइड जो है यूज किए जाते हैं येलो स्टेम बोरर को जो है बेसिकली
कंट्रोल करने के लिए। देखिए केमिकल जो है, केमिकल जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये बेसिकली कॉमनली जो है एक ही तरह के जो है यूज होते हैं। स्पेसिफिकली आपने देखा होगा मोनोक्रोटोपॉज बहुत ज्यादा यूज होता है, एंडोसल्फान भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। पर जो मैनुअल मेथड होते हैं जैसे बायोलॉजिकल मेथड हो गया या फिर ट्रैप्स हो गए, लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड होते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इंसेक्टिसाइड का प्रेफरेंस जो होता है वो एक जो है सर्टेन लेवल के बाद ही यूज किया जाता है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड जो है वो प्लांट के लिए और ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी जो है हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो ये है येलो स्टेम बोरर, इसका जो लार्वा होता है वो बेसिकली बहुत ज्यादा जो है डैमेज करता है स्टेम को। उसके बाद देखिए अब बात करेंगे कुछ कैटरपिलर्स की। देखिए तीन तरह के कैटरपिलर जो कि राइस की क्रॉप को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं, स्वार्मिंग कैटरपिलर, राइस हॉर्न कैटरपिलर और येलो हेयरी कैटरपिलर। देखिए ये वाला जो है ये है स्वार्मिंग कैटरपिलर, ये वाला है राइस हॉर्न कैटरपिलर। देखिए राइस हॉर्न कैटरपिलर इसलिए कहा जाता है, इसमें इस तरह से जो है हॉर्न अपीयरेंस होती है, जो इसका लार्वा होता है, जो कैटरपिलर होता है उसमें इस तरह से जो है हॉर्न होते हैं, इसीलिए जो है इसे राइस हॉर्न कैटरपिलर कहा जाता है। और ये वाला जो है ये है येलो हेयरी कैटरपिलर, इस तरह से देखिए ये हेयरी सा होता है, दैट्स व्हाई नोन एज हेयरी कैटरपिलर। देखिए जो स्वार्मिंग कैटरपिलर है इसकी जो होस्ट रेंज होती है राइस के अलावा ये मेज, जौर, वीट और बार्ले और शुगर केन को भी जो है डैमेज करता है। तो ये है स्पोडोप्टेरा मैरुशिया, तो ये इसका जो है साइंटिफिक नेम है। उसके बाद देखिए राइस हॉर्न कैटरपिलर जो है ये है मेलेंटिस, इसका जो है मिलेट्स में भी ये पाया जाता है, देखने को मिलता है। देखिए उसके बाद है येलो हेयरी कैटरपिलर, देखिए येलो हेयरी कैटरपिलर जो है ये राइस के अलावा ग्रासेस और वीट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये हेयरी टाइप का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद देखिए इसके डैमेज सिम्टम की बात की जाए तो स्वार्मिंग कैटरपिलर जो होता है बेसिकली ये जो है मार्च के टाइम पे जो है फील्ड में फील्ड टू फील्ड जो है बेसिकली ये फीड करता जाता है, मतलब राइस के एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जो है ये रैपिडली जो है आप जो फीड करते करते जो है ये प्लांट को डैमेज करता जाता है। और जो सीवियर डैमेज होता है जुलाई टू सितंबर के टाइम पे जो है ये सीवियरली क्रॉप को डैमेज करता है। देखिए स्वार्मिंग कैटरपिलर क्या करता है कि नाइट के टाइम पे ये बेसिकली फीड करता है, तो इसका जो अपीयरेंस होता है ये जो विजुअलाइज होता है नाइट के टाइम पे जो है बेसिकली दिखाई देता है और डे टाइम पे ये हाइड हो जाता है। इसके कारण इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डे टाइम में ये जो है फील्ड में दिखाई नहीं देता, बेसिकली हाइड हो जाता है। ठीक है, और जुलाई सितंबर के टाइम पे ये सीवियरली जो है क्रॉप को डैमेज करता है, यंग प्लांट को बहुत ज्यादा डैमेज करता है और अराउंड 10-20% जो है इसके कारण राइस की यील्ड को लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर राइस हॉर्न कैटरपिलर की बात की जाए तो ये जो लार्वा होता है, देखिए कैटरपिलर बेसिकली बटरफ्लाई का होता है ना, बटरफ्लाई का होता है कैटरपिलर, तो ये जो है बेसिकली अडल्ट बटरफ्लाई होती है, लेकिन इनकी जो कैटरपिलर स्टेज होती है वो बेसिकली जो है क्रॉप को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो जो राइस हॉर्न कैटरपिलर होता है बेसिकली ये लीफ ब्लेड्स जो होती है राइस की उसके ऊपर जो है बेसिकली ये फीड करता है और डिफोलिएट करता है। डिफोलिएट हमने देखा जो हम अभी कैटेगरी पढ़ रहे हैं ये फोलिएज फीडर की कैटेगरी है, बोरर्स की कैटेगरी है, तो ये बेसिकली प्लांट के फोलिएज को डिफोलिएट करते हैं, मतलब जो फोलिएज होता है लीव्स होते हैं टेंडर शूट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा डैमेज करता है। ठीक है, राइस हॉर्न कैटरपिलर जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और उसके बाद है येलो हेयरी कैटरपिलर, देखिए येलो हेयरी कैटरपिलर जो है ये बहुत सीवियरली जो है डिफोलिएशन कॉज करता है, मतलब प्लांट की जो लीव्स होती है वो बेसिकली डैमेज होकर शेड होने लगती हैं, प्लांट वीक होने लगता है, उसका बेसिकली जो ओवरऑल फोलिएज जो होता है वो पूरा ही जो है डैमेज होने लगता है। तो ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ये बेसिकली जो है फोलिएज को अटैक करते हैं, यंग प्लांट के जो लीव्स होती हैं देखिए कुछ इस तरह से, देखिए पूरी लीव को जो है ये डैमेज कर चुका है, तो ये इनका जो है बेसिकली मोड ऑफ इन्फेक्शन और मोड ऑफ इन्फेस्टेशन होता है, जो कि बेसिकली प्लांट के फोलिएज को सबसे ज्यादा जो है ये अटैक करते हैं।
तो ये जो है सीवियरली डैमेज करने वाले जो है तीन तरह के कैटरपिलर जो बेसिकली जो है राइस के प्लांट को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, फोलिएज को राइस के बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। जो अभी हमने येलो स्टेम बोरर पढ़ा था वो बेसिकली बोरर था जो कि जिसका लार्वा जो है वो स्टेम में बोर करता है। यहाँ पे जो ये कैटरपिलर्स होते हैं ये फोलिएज को बहुत ज्यादा जो है फोलिएज के ऊपर फीड करते हैं, तो ये बेसिकली फोलिएज फीडर है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की अगर बात की जाए, देखिए इनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए सबसे पहले जो है जो लार्वल पैरासिटॉइड्स होते हैं वो प्रीडेटर्स जो कि लार्वा के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, उनको जो है बेसिकली कंजर्व किया जाता है फील्ड में या रिलीज किया जाता है, तो ये आता है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोटेक्ट वर्टिब्रेट प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स जो लार्वा के ऊपर फीड करते हैं जैसे हाउस क्रो हो गया, ठीक है, जंगल क्रो हो गया, ठीक है, कैटल एग्रेट हो गया, व्हाइट ब्रेस्ट वाटर हेन हो गया, ठीक है, इंडियन पॉड जो है पॉन्ड सॉरी नॉट पॉड पॉन्ड पैडी बर्ड जो होती है, ठीक है, तो इन सबको जो है बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाता है और इन प्रेडेटर्स को जो है फील्ड में रिलीज किया जाता है, अलाउ किया जाता है ताकि ये लार्वा को जो है लार्वा के ऊपर फीड कर सके। लार्वा बेसिकली कैटरपिलर की यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि ये जो कैटरपिलर स्टेज होती है यही सबसे ज्यादा जो है हार्म करती है प्लांट को, तो अगर इन्हीं स्टेज में इनको जो है बेसिकली रिमूव कर दिया जाएगा फील्ड से तो इनका जो पॉपुलेशन होगा वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। देखिए जो फील होता है सर जो है ड्रेन वाटर फ्रॉम द नर्सरी, नर्सरी से वाटर को ड्रेन किया जाता है और जो क्लोरोपाइरिफॉस होता है उसका स्प्रे किया जाता है फील्ड में, एंडोसल्फान भी यूज किया जा सकता है ड्यूरिंग लेट इवनिंग। तो ये कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है स्वार्मिंग कैटरपिलर के लिए, स्वार्मिंग कैटरपिलर, ठीक है, उसके लिए ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है। उसके बाद कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस की बात करते हैं जो कि तीनों कैटरपिलर के लिए यूज की जा सकती है, जैसे देखिए कैरोसिनेट वाटर जो है इरिगेशन के टाइम पे यूज किया जा सकता है ताकि सफोकेशन जो है फील्ड में हो और लार्वा को जो है बेसिकली वहां पे किल किया जा सके। उसके बाद देखिए अलाउ डक्स इनटू द फील्ड, फील्ड में जो है डक्स को अलाउ किया जा सकता है ताकि वो लार्वा को जो है फीड कर सके, और फ्लड द नर्सरी, नर्सरी को फ्लड किया जाता है टू एक्सपोज द हाइडिंग लार्वा, क्योंकि लार्वा जो है फीड करते हैं और डे टाइम पे जो है हाइड हो जाते हैं, और ताकि जब वो एक्सपोज हो तो जो बर्ड्स होती हैं वो बेसिकली उनको जो है पिक कर सके, क्योंकि बर्ड जो है फीड करती है इंसेक्ट्स के ऊपर, तो ताकि जाके जो है उनका जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। तो ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, ये किसी भी कैटरपिलर के लिए जो है प्रैक्टिस की जा सकती है, और ये वाली जो है ये है स्वार्मिंग कैटरपिलर के लिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हाउस क्रो हो गया, जंगल क्रो हो गया या नॉर्मल क्रो जो है बेसिकली ये यूज किए जाते हैं एज एन बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, तो ये थे तीन तरह के कैटरपिलर और उनका मैनेजमेंट। आगे देखते हैं, देखिए अब है गॉल मिर्च। देखिए गॉल मिर्च जो है बेसिकली ये जो है जस्ट अ मिनट ओरेसिलियो ओरेजी, ठीक है, गॉल मिर्च बेसिकली जो है ये गॉल्स जो होते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह के सिम्टम्स अपेयर करता है प्लांट के ऊपर, इसके जो डैमेज सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, ये मैगोट फीड करता है ग्रोइंग शूट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब लाइक गॉल सिमिलर। देखिए इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए स्वेलन स्वेलन पार्ट्स जो है आपको दिखाई दे रहे हैं स्टेम के ऊपर, तो ये सिम्टम होते हैं गॉल मिर्च के। देखिए इस तरह से जो है ये इस तरह के जो है बेसिकली डैमेज कॉज करता है राइस के प्लांट के ऊपर, ठीक है। देखिए अनियन निडल और सिल्वर शूट, ये जो है इसके सिम्टम्स होते हैं, देखिए ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो गॉल मिर्च पे बेसिकली जो है प्लांट के ऊपर आपको सुलन पार्ट्स दिखाई देंगे, इस तरह का डैमेज दिखाई देगा, और इस तरह से जो है ये गॉल मिर्च का जो इंसेक्ट होता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद देखिए ये तो था इसके डैमेज की बात, अगर इसके होस्ट रेंज की बात की जाए तो देखिए राइस, वाइल्ड स्पीसीज ऑफ ओराइजा, ग्रासेस जो है इसके बेसिकली होस्ट होते हैं, ठीक है, साइनाडॉन डक्टाइलॉन जो है इसकी होस्ट रेंज में आता है, तो इन सारे प्लांट्स में भी जो है ये एनकाउंटर किया जाता है राइस के अलावा, तो ये इसकी जो है होस्ट रेंज होती है। उसके बाद अगर बात की जाए इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, देखिए यहाँ पे जो इन्फेस्टेड जो टिलर्स होते हैं बेसिकली जो प्लांट होते हैं वो पैनिकल्स जो है डेवलप नहीं करते, और अगर पैनिकल डेवलप होता भी है तो वो बहुत ही पुअर पैनिकल होगा, उसमें जो है बेसिकली
इल सिम्टम जो है वो शो करेगा। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है प्रेफर की जाती हैं, जैसे शक्ति हो गई, विक्रम हो गई, सुरेखा, IR36, ठीक है, धन्यलक्ष्मी, ठीक है, फाल्गुना, कुंती, ठीक है, आशा, सुरक्षा, तो ये सारी जो है बेसिकली रेजिस्टेंट वैरायटी हैं जो कि गॉल मिर्च को रेजिस्ट करती हैं। और उन एरियाज में जहां पे गॉल मिर्च जैसी जो इंसेक्ट होते हैं, गॉल मिर्च ये देखने को मिलते हैं, वहां पे जो है इनको बेसिकली एज अ कल्टीवार यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए बायोलॉजिकल मेथड, देखिए लार्वल पैरासिटॉइड्स जो होते हैं जो कि लार्वा के ऊपर फीड करते हैं, उनको बेसिकली जो है रिलीज किया जाता है। ये बेसिकली रिलीज किए जाते हैं एट 1 per 10 meter square इन द मेन फील्ड एट 10 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन बाद जो है इनको जो है प्लेटिगास्टर ओराइजी जो है इनको रिलीज किया जाता है ताकि ये लार्वा के ऊपर फीड कर सके, ठीक है। उसके बाद अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो कार्बोफ्यूरॉन की जो है एप्लीकेशन दिया जाता है, फिप्रोनिल का एप्लीकेशन दिया जाता है और स्प्रे दिया जाता है एंडोसल्फान का, ठीक है। और अफेक्टेड प्लांट को जो है बेसिकली रिमूव किया जाता है, ठीक है। बैलेंस फर्टिलाइजर जो है दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी डिजीज के इन्फेस्टेशन में और किसी भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन को इंक्रीज और रिड्यूस करने में। देखिए अगर नाइट्रोजन का जो एप्लीकेशन है बहुत ही अनइवन है, बहुत ही एक्सट्रीम डोज जो है नाइट्रोजन का अगर फील्ड में दिया जा रहा है तो उससे क्या होता है, उससे फोलिएज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो वीड्स होती हैं उनका इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है बेसिकली फोलिएज ग्रोथ को जो है प्रमोट करता है। तो फोलिएज ग्रोथ जब प्रमोट होने लगती है तो इंसेक्ट जो है बहुत ही रैपिडली इंसेक्ट का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, किसी भी डिजीज का इन्फेस्टेशन बहुत ही सीवियर होने लगता है। इसीलिए बैलेंस्ड डोज ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो बहुत ज्यादा जो है नेसेसरी होता है किसी भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर। सबसे पहले फर्टिलाइजर डोज जो है वो चेक की जाती है और उसको जो है बेसिकली बैलेंस किया जाता है। तो ये है गॉल मिर्च। गॉल मिर्च का टिपिकल सिम्टम जो है वो गॉल फॉर्म करना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करता है, तो दैट इज बेसिकली टिपिकल सिम्टम ऑफ गॉल मिर्च इन राइस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है लीफ फोल्डर। देखिए लीफ फोल्डर या लीफ रोलर इसे कहा जाता है, कुछ इस तरह से देखिए ये लीफ को डैमेज करता है, इस तरह से देखिए प्लांट इस तरह के सिम्टम शो करने लगता है। देखिए ये जो है ये बेसिकली ग्रासेस में देखने को मिलता है, जो भी ग्रामिनी फैमिली को बिलोंग करने वाले स्पीसीज हैं उनमें जो है ये देखने को मिलता है लीफ फोल्डर या लीफ रोलर। इसके जो डैमेज सिम्टम्स होते हैं, देखिए कैटरपिलर जो है बेसिकली फोल्ड्स करता है लीफ को लॉन्गिट्यूडिनली और उसके अंदर रिमेन इनसाइड, कुछ इस तरह से देखिए जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, लीफ जो है फोल्ड हो जाती है और उस लीफ के अंदर ही जो है बेसिकली कैटरपिलर होता है, ठीक है। ग्रीन टिश्यू जो होते हैं उनके ऊपर स्क्रैप करता है, फीड करता है और वो जो है बेसिकली ड्राई होने लगते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए इन लीव्स के ऊपर जो है स्क्रैपिंग की गई है, जो लार्वा होता है, जो कैटरपिलर होता है वो बेसिकली स्क्रैप करता है, फीड करता है, तो इस तरह से जो है ये लीव दिखाई देने लगती है, ठीक है। और सीवियर इन्फेस्टेशन जब होता है तो जो होल फील्ड होता है वो बेसिकली स्कॉर्च अपीयरेंस जैसे हॉपर बर्न सिम्टम्स हमने देखा था कि पूरा जो है फील्ड में एक जो है बर्निंग लाइक अपीयरेंस दे रहा है फील्ड, तो उसी तरह से फील्ड में स्कॉर्च अपीयरेंस जो है दिखाई देने को मिलती है, मतलब प्लांट जो है कुछ बर्न लाइक अपीयरेंस देने लगते हैं, लाइक उनका जो कलर होता है वो बहुत ही ब्राउन कलर और डिस्कलरेशन होने लगता है। तो ये जो है डैमेज सिम्टम्स होते हैं लीफ फोल्डर और लीफ रोलर के, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम में सिम्टम भी दिए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यूनिक सिम्टम हमने देखा कि कैटरपिलर फोल्ड द लीव्स लॉन्गिट्यूडिनली एंड रिमेन इनसाइड द लीफ, मतलब लीफ को वो रोल कर देता है और लीफ के अंदर ही जो है रिमेन रहता है, तो ये एक यूनिक सिम्टम है और ये सिम्टम आपको देखने को मिला लीफ रोलर में, तो आपको सिम्टम्स भी जो है एग्जाम में दिए जा सकते हैं, फाइन। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट में जो है रेजिस्टेंट वैराइटीज, ठीक है, रेजिस्टेंट वैराइटीज जो है कावेरी, आकाशी, TKM6 जो है बेसिकली ये सारी जो है इसकी रेजिस्टेंट वैराइटी हैं जो कि लीफ फोल्डर को रेजिस्ट करती हैं, तो इनको जो है प्रेफर किया जाता है उन एरियाज में जहां पे इंसेक्ट की जो है पॉपुलेशन बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। और बेसिकली जो बायोलॉजिकल मेथड है रिलीज किया जाता है ट्राइकोग्रामा क्लोनिस को थ्राइस ऑन 37, 44 और 51 डेज आफ्टर
ट्रांसप्लांटिंग, मतलब एक एक बार 37 डेज में जो है इसे रिलीज किया जाता है, फिर 44 डेज में और फिर 51 डेज में, उसके बाद फॉलोड बाय 3 स्पेस ऑफ मोनोक्रोटोपोज। मोनोक्रोटोपोज के 3 स्पेस दिए जाते हैं 58, 65 और 72 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। तो ये जो है बेसिकली ट्रिकोगर्मा, ये जो है एज अ बायोलॉजिकल मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर केमिकल की बात की जाए तो देखिए बेंफ्यूरोक्रॉप जो है यूज किया जाता है, कटाप हाइड्रोक्लोराइड यूज किया जाता है एज एन केमिकल कंट्रोल। तो ये जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं लीफ फोल्डर और लीफ रोलर के लिए। देखिए नेक्स्ट जो इंसेक्ट है वो है राइस केस वॉर्म, निम्फला जिसे कहा जाता है, और राइस में ही यूजुअली कॉमनली जो है ये देखने को मिलता है। अगर इसके डैमेज सिम्टम्स की बात की जाए तो देखिए जो कैटरपिलर होता है बेसिकली ग्रीन टिश्यू के ऊपर जो है फीड करता है और टेबुलर केसेस जो है ये बेसिकली फॉर्म करता है, और एपिकल पोर्शन को लीफ के जो ये वाला पोर्शन होता है इसको बेसिकली जो है इसकी कटिंग करके जो है कट कर देता है यहाँ से। तो ये बेसिकली आपको जो है फील्ड में फ्लोट करते हुए जो है इनके एपिकल पोर्शन दिखाई दे सकते हैं, जहां पे इस इंसेक्ट का इंफेस्टेशन या इसकी जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज्यादा होती है। तो लीफ का एपिकल पोर्शन जो है ये डैमेज कर देता है, लीव्स में जो है बेसिकली लीव्स को, फोलियर को जो है ये अटैक करता है, और सीवियर केस में जो है प्लांट जो है पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और बेसिकली ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये इसके डैमेज सिम्टम्स होते हैं, ये इसकी अडल्ट स्टेज होती है, और कुछ इस तरह से देखिए जो लीव्स होती हैं इनके ऊपर जो है ये देखने को मिलता है, व्हाइट कलर का जो है ये होता है, और बेसिकली जो एपिकल पोर्शन होते हैं उनको जो है ये सीवियरली डैमेज करता है। अगर इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए लार्वल पैरासिटॉइड्स जो होते हैं, देखिए एपेंटल्स हो गया, ब्रैकॉन स्पीसीज हो गई, एलएमएस स्पीसीज हो गए, एलएसमस स्पीसीज हो गई, तो इनको जो है बेसिकली फील्ड में कंजर्व किया जाता है। प्यूपल पैरासिटॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, इनको जो है बेसिकली फील्ड में कंजर्व किया जाता है ताकि ये जो है लार्वा और प्यूपा के ऊपर फीड कर सके। उसके बाद देखिए डिसलॉज द केसेस, देखिए क्या किया जाता है कि जो रोप होती है, ठीक है, रोप्स को जो है बेसिकली रनिंग रोप ओवर द यंग क्रॉप, ठीक है, ताकि जो है बेसिकली जो ये जो इंसेक्ट होते हैं ये जो है प्लांट से जो है बेसिकली एलिमिनेट हो जाएं। तो ये इसके लिए स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जो कि बेसिकली राइस केस वॉर्म के लिए की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो है मैनेजमेंट दिया जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि राइस केस फॉर्म के लिए इनमें से कौन सा मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो कि मैन्युअली जो है प्रैक्टिस किया जाता है। तो रनिंग अ रोप ओवर द यंग क्रॉप या फील्ड से जो है बेसिकली रोप को जो है एक बार जो है रन किया जाता है ताकि राइस केस फॉर्म जो है प्लांट से एलिमिनेट हो जाए। तो ये जो है राइस केस वॉर्म के लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट में स्प्रे किया जाता है एंडोसल्फान का, मोनोक्रोटोपोज का, फेंथियोट का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है टू कंट्रोल दी राइस केस वॉर्म, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इंसेक्ट है वो है राइस स्कीपर। देखिए राइस स्कीपर शुगरकेन में भी देखने को मिलता है, और इसके जो डैमेज सिम्टम्स होते हैं एजेस ऑफ लीव्स जो होती हैं उनमें जो है वेबिंग होती है, बैकवर्ड रोलिंग होती है, ठीक है, ये जो है मार्जिन से फीड करना स्टार्ट करते हैं इनवर्ट की तरफ, कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए ये फीड करता है, और ये इसके जो है डैमेज सिम्टम्स होते हैं जब लीव्स जो है वो बेसिकली जो है बैकवर्ड रोलिंग उसमें होने लगती है, जैसे इस तरह लीव में हो रही है, देखिए बैकवर्ड ये जो है इस तरह से बैकवर्ड की तरफ जो है ये बेसिकली रोल हो रही है, बैकवर्ड रोलिंग इसे कहा जाता है। तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं, कुछ इस तरह से जो है ये दिखाई देता है, देखिए इस तरह से राइस फील्ड में देखने को मिलता है। तो ये इसके जो है बेसिकली सिम्टम होते हैं राइस स्कीपर के। उसके बाद आता है होल मैगॉट। देखिए जो होल मैगॉट होता है वो बेसिकली जो है इसका जो होस्ट रेंज होता है राइस होता है, साइनाडॉन डेक्टाइलॉन होता है, इकाइनोकोला क्रूसगेली इसका जो है ये जो है इसकी होस्ट रेंज होती है, मतलब इन जो प्लांट्स है इनमें भी जो है होल मैगॉट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं येलोइश वाइट लॉन्गिट्यूडनल मार्जिनल ब्लॉचिंग जो है बेसिकली होती है, और ये जो है लीव्स में, ठीक है,
ये होल भी जो है लीव्स, फ्यू प्लेसेस ऑफ लीव्स में जो है ये होल भी जो है बेसिकली फॉर्म करता है, और प्लांट जो है बेसिकली स्टंटेड होता है, मेच्योरिटी डिले होती है, और ये जो इसका ऑब्जर्वेशन होता है, इसकी जो विजुलाइजेशन होता है, ये आफ्टर 30 days ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिन बाद जो है ये फील्ड में देखने को मिलता है। और इसकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, बेसिकली कार्बोफ्यूरॉन का जो है एप्लीकेशन, हाइड्रोक्लोराइड का एप्लीकेशन, फिप्रोनिल का एप्लीकेशन, कोई भी जो है इंसेक्टिसाइड यहाँ पे यूज किया जा सकता है, इनमें से कोई एक जो है इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। एंडोसल्फान का स्प्रे भी जो है यहाँ पे किया जाता है, क्यूमलोफोस का भी जो है स्प्रे यहाँ, तो इनमें से कोई भी जो है इंसेक्टिसाइड अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी जो है यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल दी होल मैगॉट। ठीक है, तो ये राइस स्कीपर एंड होल मैगॉट जो है ये राइस के अनदर जो है इंसेक्ट्स हैं। फाइन, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ माइनर इंसेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखिए माइनर इंसेक्ट इसलिए मेंशन किए हैं कि अगर कोई भी डिजीज, कोई भी पेस्ट या कोई सी इंसेक्ट आपको राइस का पूछा जाता है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि राइस में एरेट स्टिंक बग भी होता है, राइस स्ट्रिप बग हो गया, व्हाइट राइस लीफ हॉपर हो गया, ब्लू राइस लीफ हॉपर हो गया, जिगजैग स्ट्रिप लीफ हॉपर हो गया। देखिए ये थोड़ा थोड़ा जो है यूनिक नेम है, जिगजैग स्ट्रिप लीफ हॉपर, तो ये भी राइस में होता है। तो ऑप्शंस में अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये इंसेक्ट जो है राइस में होते हैं। ठीक है, तो आप वहां से एलिमिनेट कर सकते हो कि कौन सा जो है, कई बार आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इंसेक्ट है जो राइस में पाया जाता है या राइस क्रॉप में जो है ये सीवियरली डैमेज करता है, तो इसीलिए जो है माइनर भी आपको एटलीस्ट उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कॉमनली है लीफ हॉपर्स, ठीक है, जिगजैग स्ट्रिप लीफ हॉपर। अगर बोरस की बात की जाए और फोलेज फीडर की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रास ऑपर हो गया, शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऑपर हो गया, ब्लू बीटल हो गया। देखिए वीविल भी यहाँ पे जो है राइस में पाया जाता है, रूट वीविल टू, ठीक है, ग्रब रूट ग्रब हो गया, ठीक है, राइस रूट ग्रब। तो ये कुछ जो है माइनर्स है, माइनर पेस्ट है राइस के, ठीक है, जो बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं लेकिन थोड़ा डैमेज जो है राइस क्रॉप को करते हैं, और माइनर भी जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इनका जो है नाम आप याद रखेंगे कि कौन कौन से जो है बेसिकली राइस में पाए जाते हैं। देखिए हॉपर बहुत ही ज्यादा राइस में देखने को मिलता है, तो हॉपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रास हॉपर हुआ, चाहे वो ग्रीन लीफ हॉपर हुआ, ब्राउन लीफ हॉपर हुआ, या जो है व्हाइट बैक लीफ हॉपर हुआ। तो हॉपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू राइस। फाइन, तो ये मॉड्यूल 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसके अंदर राइस के जो मेजर पेस्ट हैं वो हमने डिस्कस करे। तो नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा एंटोमोलॉजी का, विल डिस्कस इट वेरी सून। तो टिल देन यू गाइस कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।